आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। ताजनगरी में मात्र कुछ ही घंटों की बारिश ने ही सड़कों पर जलभराव की स्थिति पैदा कर दी, जिसके चलते राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ताजनगरी आगरा में सुबह से हो रही रिमझिम बारिश के चलते शहर में जगह जगह जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। मात्र कुछ ही घंटों की बारिश में नगर निगम की पोल खोल कर रख दी है। सुबह से हो रही रिमझिम बारिश ने शहर की सड़कों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न कर दी, जिसके चलते राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि कई सालों से नालों की सफाई व निकास न होने के चलते जलभराव की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। ये पानी भर जाता है, बारिश पड़ती है, गड्ढे भी हो रहे हैं इधर रोड पे, दो तीन गड्ढे हैं और पानी भर जाता है। थोड़ा पानी भरता है, पूरा भर जाता है ना, उधर निकास का कोई वो ही नहीं है। वो टैंक के वहाँ खुल जाता है, पानी निकलने का कोई वो नहीं है, यहाँ व्यवस्था ही नहीं है पानी निकलने की। तो कृपया करके प्रशासन से, नगर निगम से कह के ये कराया जाए, कुछ करिए। आते हैं, चले जाते हैं, देखते हैं बस। उधर एक बार गड्ढा टूटा था तो जोर जाड़ के चले गए थे, फिर कोई कुछ नहीं। पानी ओवरफ्लो होकर घरों में घुस जाता है और क्षेत्रीय पार्षद को इस विषय में अवगत कराने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होती। ऐसे में जलभराव की स्थिति होने के कारण राहगीरों व दुकानों पर पहुंच रहे ग्राहकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ताजनगरी आगरा में कुछ ही घंटों की हुई बारिश के बाद अधिकारियों के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। ऐसे में स्मार्ट सिटी का सपना लेकर चलने वाला नगर निगम फेल होता हुआ नजर आ रहा है। सी न्यूज के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट।